वेलकम टू ओनली आइए। स्वागत है आप सभी लोगों का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 18 सितंबर 2019। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये आर्टिकल अभी सऊदी अरेबिया की दो ऑयल फैसिलिटीज़ पर ड्रोन से अटैक किया गया उसके बारे में है, चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल यमन का जो पूरा क्राइसिस है उसके बैकग्राउंड के साथ इस पर चर्चा की गई है। और अंत में जब डेवलपमेंट्स की बात की गई है तो सऊदी अरेबिया में जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं ऑयल फैसिलिटीज़ पर उनका भी जिक्र किया गया है। तो इसी आर्टिकल के साथ साथ अंत में हम इस आर्टिकल को ऐड करके कवर कर लेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल मीजल्स इन्फेक्शन के बारे में है, इस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये आर्टिकल ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये आर्टिकल क्लीन मीट के बारे में है जिसे प्लांट से तैयार किया जा रहा है उसके बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ही कुछ कोर्सेस ओनली आईएएस पे अवेलेबल हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। कम्प्रिहेंसिव प्रिलिम्स कोर्स जो अभी लेटेस्ट लॉन्च किया गया है आप इसे अवेल कर सकते हैं। इसमें जो आपके 7 ऐसे पार्ट्स हैं जो प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं यूपीएससी सिलेबस में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस एंड टेक, उन्हें प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से कवर किया जाएगा। इनके डेमो लेक्चर्स चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उसे देख सकते हैं ताकि आपको एक इंसाइट मिल जाए कि आपको कैसे आगे अप्रोच करना है इस पूरे कोर्स को। अगर किसी का ऑप्शन सोशियोलॉजी है या पॉलिटिकल साइंस है तो उसके कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं। ये प्रोग्राम मीन्स पर फोकस्ड है। यहाँ पर अगर आप ये प्री और मीन्स दोनों प्रोग्राम एक साथ ऐड करके लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप इस प्रिलिम्स के कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज़ ऐड करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम को यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। बाकी प्रिलिम्स की टेस्ट सीरीज़ 2020 के प्रिलिम्स के लिए अवेलेबल है। कुछ एक टेस्ट हो चुके हैं लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो टेस्ट पहले से हो चुके हैं आप उन्हें अपनी सुविधा अनुसार बाद में दे सकते हैं और बाकी जो शेड्यूल है उसके हिसाब से टेस्ट दे सकते हैं। इसकी फीस 1600 रुपीज़ है तो आप इसे भी अवेल कर सकते हैं। तो ये तो इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में हो गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला आर्टिकल। ये आर्टिकल यमन के इशू पर सेंटर्ड है। यमन की लोकेशन वर्ल्ड मैप पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रेड कलर में, ये अरेबियन पेनिनसुला है, इसके बिल्कुल साउथ में आपको यमन मिल जाएगा, ठीक है। आप इस टॉपिक को जीएस पेपर 2 के इस पार्ट से जोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यमन की लोकेशन सबसे पहले आप देख लीजिए, ये देखिए ये पूरा मिडिल ईस्ट है। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री सऊदी अरेबिया आपको मिलेगी, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा ईरान। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में कन्फ्रंटेशन चलता रहता है। देन यहाँ पर एक छोटा सा देश है कतर और उसके नॉर्थ में है बहरीन। यहाँ पर यूएई है जो 7 एमिरेट्स का एक पूरा ग्रुप है, ये ओमान है, ठीक है। यहाँ पर इराक है, तो ये कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर रेड सी के इस तरफ आएंगे तो इजिप्ट है, सूडान है, इरीट्रिया है, जिबूती है, इथियोपिया है, सोमालिया है, ये देश हैं। तो यमन में ये जो पूरा क्राइसिस है वो इस समय प्रिवेलिंग है। जो हाउथी रेबल्स हैं वो वहाँ की सरकार के खिलाफ कन्फ्रंटेशन में है। यमन का लगभग नॉर्थ का हिस्सा उनके कब्जे में है, इंक्लूडिंग दी कैपिटल सना, ये उनके कब्जे में है। तो एक पूरा डेवलपमेंट देखते हैं कि आखिर ये जो पूरा सिनेरियो अभी यमन में बना हुआ है ये कैसे और कब से शुरू हुआ। जो सिविल वॉर है ये हो सकता है एंड गेम में पहुँच गया हो, लेकिन फिर भी जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं उस पर इंडिया को ध्यान देना चाहिए, वो अभी भी चैलेंजिंग सिचुएशंस में बने हुए हैं। यमन जो कि अरेबियन पेनिनसुला के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा, हमने मैप में लोकेशन देखी। ज़्यादातर यमनीज नेशनल यूनिटी में बिलीव रखते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्थ और साउथ दो अलग अलग आइडेंटिटीज़ के साथ डिवाइडेड हैं। नॉर्थ का एरिया जहाँ हिली है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, वहाँ पर कुछ ऑयल रिजर्व्स भी हैं जो उनके लिए एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। एट द सेम टाइम जो साउथ का पार्ट है वो मोस्टली डेजर्ट है। कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 27 मिलियन है, जिसमें से ज़्यादातर पॉपुलेशन नॉर्थ में ही रहती है। वहाँ की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो $944 है, ठीक है। ये इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी का लगभग आधा है। यमन की पॉवर्टी की कंडीशन अगर आप देखेंगे तो जो उनके पड़ोसी ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं उनके बिल्कुल उलट है। जैसे जो बाकी की ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं वहाँ पर स्थिति कंपैरेटिवली बेहतर है, वहाँ पर लोग उतने स्ट्रेस में नहीं जितना यमन में है, जबकि उनके पास भी ऑयल के कुछ रिजर्व्स हैं, लेकिन उसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कंट्री की जो सोसाइटी है वो मोस्टली ट्राइबल है और इसीलिए उनके पास एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है। वैसे तो यमन में रहने वाले लगभग सभी लोग मुस्लिम कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन नॉर्थ में जैदी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जैदी जो सेक्ट है वो सिया सेक्ट के काफ़ी नज़दीक आता है, वो सिया सेक्ट जो ईरान में फॉलो किया जाता है। अब आपको एक इक्वेशन समझ में आ रहा होगा
कि आखिर हाउती रेबल्स को ईरान सपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि हाउती रेबल्स जो कि जैदी सेक्ट से बिलोंग करते हैं वो सिया सेक्ट के काफ़ी क्लोज है जो ईरान में फॉलो किया जाता है, तो एक तरीके से आप उन्हें सिया कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा जनरलाइजेशन कर लेते हैं। इसी वजह से ईरान इन हाउती रेबल्स को लगातार अपना समर्थन देता रहता है, सपोर्ट देता रहता है, ताकि वहां पर सिया डोमिनेंस स्टैब्लिश हो सके। जो साउथ का पार्ट है वो मोस्टली सुन्नी लोगों का है, मतलब वो लोग जो मोस्ट ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में निवास करते हैं। देखिए, जो नॉर्थ का हिस्सा है वहाँ पर मेनली जैदी ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, जबकि चूंकि जो साउथ का पार्ट है वो काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटिश के कॉलोनी के तौर पे था, ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट के तौर पे था, दैट्स वाई वहाँ पर थोड़ा बहुत वेस्टर्नाइजेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो साउथ यमन है उसके काफ़ी क्लोज लिंक्स हैं इंडिया के साथ, जैसे कि जो हैदराबाद के निजाम थे उन्हें लगातार यमन की इस लोकेशन से समर्थन मिलता रहता था। जो रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर हैं धीरू भाई अंबानी, उन्होंने भी अपना कैरियर एडन में ही स्टार्ट किया था। एडन जो कि यमन के बिल्कुल साउथ में है, उसी के नाम पर, उसी सिटी के नाम पर गल्फ ऑफ एडन का नाम रखा गया है। जो वर्तमान में वहाँ पर टेंशन चल रही हैं उनका बैकग्राउंड आप 1930 से ट्रेस कर सकते हैं, जब यमन के इमाम ने यमन की कुछ टेरिटरीज सऊदी अरेबिया को सौंप दी थी। 3 प्रोविंसेस सौंपे थे जिन्हें आज भी यमन के लोग क्लेम करते हैं। 1960 के दौरान जो नॉर्थ यमन है वहाँ पर 6 साल लंबा एक सिविल वॉर छिड़ गया, जिसमें इमाम के जो फाइटर्स थे जिनको सऊदी अरेबिया का समर्थन भी मिला हुआ था, वो रिपब्लिकन फोर्सेस से जिनको इजिप्ट का बैकअप मिल रहा था लड़ भी रहे थे। सिविल वॉर का रिजल्ट ये निकला कि जो यमन का एक अरब रिपब्लिक स्टैब्लिश किया गया 1968 में, वहाँ पर उसके बाद से ही फॉरेन कंट्रीज़ का लगातार प्रभाव यमन की पॉलिटिक्स में बना रहा। यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ यमन फाइनली 1990 में तैयार हुआ। 1994 में जो साउथ के लोकेशन में रहने वाले लोग हैं उन्होंने यमन से अलग होने का प्रयास किया, लेकिन एक छोटे से सिविल वॉर के बाद उनके इस प्रयास को ख़त्म कर दिया गया। 2004 में जो नॉर्थ में रहने वाले शिया मिलिशिया हैं जिन्हें अंसर अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इंसर्जेंसी शुरू की एक डेसिडेंट क्लेरिक हुसैन बद्रद्दीन अल हाउती की लीडरशिप में। इसीलिए उन्हें हाउती रेबल भी बोला जाता है क्योंकि वो इसी क्रीड को फॉलो कर रहे हैं। ये जैदी सेक्ट के हेड थे जिनके रिप्रेजेंटेशन में बाकी के लोग रेबल कर रहे थे, और ये रेबल था प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सलेह के खिलाफ। नवंबर 2011 में जो यमन में अरब स्प्रिंग मूवमेंट चला, देखिए एक अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी ट्यूनिशिया के साथ, जिसके बाद कई सारे देशों में लगातार मूवमेंट स्टार्ट हुए वहाँ पर ऑटोक्रेटिक रूलर्स को सत्ता से हटाने के लिए। ये ट्यूनिशिया के बाद अरब, उसके बाद अरबियन, ट्यूनिशिया के बाद इजिप्ट, उसके बाद लीबिया और फिर अरब की कंट्रीज में पहुंच गया। तो जो अरब स्प्रिंग का मूवमेंट था, जब उसका प्रभाव यमन में पहुंचा तो मांग चली कि सलेह अपनी सत्ता छोड़ें। उसके बाद सलेह ने काफ़ी कंट्रोवर्सी, काफ़ी जद्दोजहद के बाद अपने पद को, जो साउथ में उनके डिप्यूटी थे अब्द्रबुह मंसूर हादी, उनके पक्ष में सत्ता को छोड़ दिया। सलेह जो हैं वो उसके बाद भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बने रहे, क्योंकि जब उन्होंने अपनी सत्ता छोड़ी थी तो इस बात को साफ किया था कि वो इस शर्त पे सत्ता छोड़ेंगे कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी। तो मतलब ये था कि उसके बाद भी वो लगातार प्रभावशाली बने रहे अंतिम रूप में, तब तक जब तक कि 2017 में उनकी हत्या नहीं कर दी गई। ऐसा माना जाता है कि हाउतीज ने ही उनकी हत्या करी थी, जबकि इनिशियली उन्होंने हाउतीज को समर्थन दिया था। हाउतीज का ऐसा मानना है कि इनिशियली तो वो एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन लेटर ऑन डिसएग्रीमेंट आ गए थे और वो अन्य देशों के साथ मिलकर हाउतीस के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे थे। जो हाउती रेबल्स हैं वो उसके बाद मिस्टर हादी के खिलाफ अपनी कार्रवाई में लग गए। इसके पहले तक वो लगातार सलेह के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे थे, उनको पद से हटाने का प्रयास कर रहे थे। जब सत्ता हादी के हाथों में गई तो ये संघर्ष हादी के खिलाफ शुरू हो गया। इस संघर्ष में, जबकि 2014 में ये संघर्ष काफ़ी तेज़ी से शुरू हुआ, हाउती रेबल्स ने अटैक करना स्टार्ट किया, तो 2014 में हादी सऊदी अरेबिया भाग गए। उन्होंने जो वहाँ की कैपिटल है उसे छोड़ दिया। उसके बाद से ही वो सऊदी अरेबिया में बैठ के ही यमन की सरकार चला रहे हैं। इंटरनेशनली रिकग्नाइज सरकार हादी की ही है, हालांकि वो यमन में है, सऊदी अरेबिया में है, उनका प्रभाव लगभग न के बराबर है। सऊदी अरेबिया लगातार हाउती रेबल्स के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि जो हाउती रेबल्स हैं वो ईरान के सरोगेट बन चुके हैं, वो ईरान के समर्थन में ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो एक मिलिट्री कोलिशन जिसमें यूएई, इजिप्ट और कुछ अन्य सुन्नी पावर्स भी हैं, पाकिस्तान शुरू में था, बाद में वो पीछे हट गया,
ये सभी मिलकर आधे मन से कार्रवाई कर रहे हैं हौती रेबस के खिलाफ। जो कोलिशन है उसकी शुरुआत जब की गई थी 2015 में हौतीज के खिलाफ, तो टाइटल दिया गया था ऑपरेशन डिसिसिव स्टॉर्म, मतलब एक झटके में हौती रेबस को ख़त्म करना है। ऐसा हो तो नहीं पाया। शुरुआती दौर में एरियल बॉम्बार्डमेंट किया गया, बॉम्ब्स गिराए गए मिस्टर हादी के फोर्सेस के सपोर्ट में। सदन यमन में कार्रवाइयाँ की गई, नेवल ब्लॉकेट भी लगाया गया। हालांकि 4 साल बीत चुके हैं और इन कार्रवाइयों का कुछ खास असर होता नहीं दिख रहा है। 4 साल बीत चुके हैं, सिविल वॉर लगातार चलता जा रहा है, स्टेलमेट बन चुका है, कोई भी एडवांस नहीं कर पा रहा है। हौतीज नॉर्थ में अपना एक खेड़ा जमाए हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने यमन को ये बताया कि वो दुनिया के कुछ ऐसे देशों में से है जहां पर ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मानवाधिकार का हनन हुआ है। लगभग 11,000 लोग मारे जा चुके हैं, 3 मिलियन लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, अपना घर बार छोड़कर किसी और स्थान पर बसे हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में जो यमनी सिविल वॉर है वो लगभग एंड गेम की ओर आ चुका है, लेकिन कुछ खास डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं। इस स्थिति में जो नेशनल इंटरेस्ट है इंडिया का, वो भी चैलेंजिंग सिचुएशन में है। अभी कुछ दो डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, इन दो डेवलपमेंट्स पर आप एक निगाह डाल लीजिए इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। जो पहला डेवलपमेंट है वो ये है कि दो ऑयल फैसिलिटीज़ पर एक ड्रोन अटैक किया गया है, जिम्मेदारी ली है हौती रेबल्स ने। ये जो अपस्ट्रीम ऑयल फैसिलिटीज़ हैं अपकीक और खुराइस, ये दो लोकेशंस हैं सऊदी अरेबिया में, वहाँ के ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला किया गया। अल हौती मिलिशियाज ने क्लेम किया है कि उन्होंने ये हमले किए हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि 10 ड्रोन्स ने 17 टारगेट्स को हिट किया है, और ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये जो हमला किया गया है ये यमन और सऊदी अरेबिया के बॉर्डर से 13 किलोमीटर अंदर किया गया है और बिल्कुल एक्यूरेटली हिट किया गया टारगेट्स को। ये कई तरीके के क्वेश्चंस अनआंसर्ड छोड़ता है, किसी देश में इतने अंदर घुसकर हमला कर देना और पता ना चलना, ऑयल फैसिलिटीज़ को टारगेट करना, ये इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्राइक्स में लगभग 5.7 मिलियन बैरल्स पर डे की जो सप्लाई थी वो हिंडर हुई है, और सऊदी अरेबिया का जो ऑयल सप्लाई का आधा हिस्सा था वो लगभग एक झटके से रुक सा गया। लगभग 5% ग्लोबल सप्लाई भी प्रभावित हुई। इससे अनप्रेसिडेंटेड 19% की इनिशियल सर्ज देखने को मिली। ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ गए, लगभग 19% की बढ़ोतरी ऑयल के प्राइसेस में देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड ऑयल $71 पर बैरल पर आ गया। ऑयल के प्राइसेस उम्मीद है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो $100 पर बैरल पर भी जा सकते हैं। ये तो पहला डेवलपमेंट रहा। सेकेंड डेवलपमेंट ये है कि वो कोलिशन जो सऊदी अरेबिया के द्वारा लीड किया जा रहा था हौती रेबल्स के खिलाफ, वो लगातार कमज़ोर हो रहा है। जुलाई 2019 में यूएई ने अनाउंस किया कि वो अपनी फोर्सेस को यमन से निकाल लेगा, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगस्त के अंत तक यमन की जो सरकार है उसे भी सदन पोस्ट जो एडन का है वहाँ से अपने आप को पीछे हटाना पड़ा। रियाद इस समय काफ़ी इनेबल हो चुका है, वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो यमन में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर पाए। दैट्स वाई वो कई सारे अन्य सुन्नी स्टेट्स की मदद ले रहे हैं, लाइक पाकिस्तान और इजिप्ट। इस स्थिति में जो पूरी सिचुएशन है यमन की और आसपास की लोकेशन की, वो काफ़ी वल्नरेबल बनी हुई है। इंडिया के इंटरेस्ट कैसे स्टेक पर लगे हुए हैं? ये जो दो फैसिलिटीज़ पर हमला किया गया है ये इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहीं से तो हमारा सी ट्रेड भी, जो सी ट्रेड रूट है वो भी पास होता है। ऐसी स्थिति में इंडिया को भी बाबल मंदेब से पूरा जो रूट पास होता है जहाँ से ऑयल की सप्लाई की जाती है वो भी खतरे में होगा ऐसी वल्नरेबिलिटी में। इसके इतर जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, यहाँ पर इंडिया को अपने जो इंटरेस्ट हैं वो यमन में सिक्योर करने का प्रयास करना होगा, पार्टिकुलरली जो सदर्न कोस्टल बेल्ट है वहाँ पर। ये जो ड्रोन अटैक सऊदी अरेबिया के ऑयल फैसिलिटीज़ पर हुआ है उसका सीधा प्रभाव इंडिया पर भी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इम्पोर्टर है, और जो इंडिया इम्पोर्ट करता है उसका 5वां हिस्सा सऊदी अरेबिया से हम अवेल करते हैं। ऑयल के प्राइसेस अगर तेज़ी से बढ़ेंगे तो इंडिया की इकॉनमी, जो कि ऑलरेडी 5% की ग्रोथ कर रही है, काफ़ी ख़राब स्थिति में है, वो और भी ज़्यादा हिट होगी। इसके इतर जो सऊदी अरेबिया की अरमेको कंपनी की फैसिलिटीज़ पर, ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला किया गया है, इसका प्रभाव इंडिया के साथ चल रहे निगोशिएशंस पर भी पड़ेगा। दो इन्वेस्टमेंट्स की बातचीत चल रही है, एक इन्वेस्टमेंट ये कंपनी रत्नगिरी रिफाइनरी में करने वाली है, और दूसरा $30 बिलियन का एक एग्रीमेंट उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ भी साइन कर रखा है, तो दोनों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। दैट्स वाई इंडिया ने इस अटैक को खुले शब्दों में क्रिटिसाइज किया कि इस तरीके के हमले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा पहला वाला आर्टिकल हमने कवर किया। दूसरे आर्टिकल में कुछ कंटेंट है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इंडिया को ऑयल सप्लाई कट जो भी होने वाला है सऊदी अरेबिया में ड्रोन अटैक होने के बाद, उसे ब्रेस करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। इमीडिएट इंपैक्ट, लास्ट वीक में जो ड्रोन अटैक किया गया सऊदी अरेबिया की अरमेको ओन्ड खुराइस ऑयल फील्ड और अबक्विक ऑयल
प्रोसेसिंग फैसिलिटी पर उसका सीधा प्रभाव इंडिया के ऊपर पड़ा, जो कि हमने देखा भी। सऊदी अरबिया की जो डेली क्रूड ऑयल आउटपुट था लगभग उसका आधा हिस्सा प्रभावित हुआ और ग्लोबल सप्लाई भी 5% तक प्रभावित हुई, जो हमने पहले चर्चा की थी। जो सऊदीज हैं वैसे उन्होंने सप्लाई को बहुत जल्दी रीस्टोर कर लिया, लेकिन फिर भी ऑयल के प्राइसेस में लगभग 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली। हाउथी मिलिशियाज जो यमन में सऊदी अरबिया के खिलाफ और वहाँ की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली। जो 4 साल से ये सिविल वॉर चल रहा है, हाउथीज के द्वारा जो मिलिशियाज इसके लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। लेकिन अंकल सैम यानी कि यूएसए का अपना अलग ही आलाप है, वो तो कह रहे हैं कि यह हमला ईरान की वजह से हुआ है। ईरान ने हालांकि साफ साफ इन एलिगेशन को डिसमिस किया, उन्होंने बोला इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। और जैसे यूएसए के साथ ईरान की बातचीत पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स निकल के आ रहे थे, तो उन्होंने ये भी साफ किया कि वो यूएसए की टर्म पर उनसे बातचीत नहीं करेंगे। दोनों जगहों पर ईरान के द्वारा सफाई दी गई। मीनवाइल सऊदी अरबिया को चाहिए कि वो यमन में अपने इंटरवेंशन को लिमिट करें और यूएन को छोड़ दें कि वो यहाँ पर जो पीस है उसे एस्टैब्लिश करने का प्रयास करें। जो सऊदी अरबिया लेड मिलिट्री कैंपेन है उससे कुछ खास फायदा अभी तक हुआ भी नहीं है। यूएसए और यूके के सपोर्ट से वो काफ़ी लंबे समय तक यमन में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हो पाया है। जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे सिचुएशन लगातार डिटोरिएट ही हुई है। फ्यूल के कॉस्ट अगर तेजी से बढ़ते हैं तो इंडिया के ऑयल इंपोर्ट पर भी प्रभाव पड़ेगा। इंडिया की इकॉनमी ऑलरेडी स्लो डाउन फेस कर रही है, तो नुकसान और भी ज़्यादा होगा। सरकार को ऐसी किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जो इंडिया ने एक्साइज ड्यूटी इम्पोज कर रखी है, अब समय आ चुका है कि इंडिया उसे री इवेलुएट भी कर ले। और लास्ट में कंक्लूजन में ये बताया गया है कि एक नया डायमेंशन इस आर्टिकल में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अगर ड्रोन से इतने भीतर जाकर कोई रेबल ग्रुप हमला कर सकता है, तो ये एक नए तरीके का हमला या टैक्टिक हो सकती है जिसे नॉन स्टेट एक्टर्स ऑप्ट कर सकते हैं। इंडिया के डिफेंस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट को इस दिशा में भी ध्यान देना चाहिए और इंडिया इस लिहाज से जितना वल्नरेबल है उसके मिटिगेटिंग मेजर्स भी अपनाए जाने चाहिए। तो इस आर्टिकल को यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। ये आर्टिकल यहाँ पर हमने कवर किया, देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल डेडली स्प्रेड, आप इसे पेपर 2 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। इस आर्टिकल में मीजल्स पे फोकस किया गया है। मीजल्स इसका मतलब होता है खसरा, और एक नया डायमेंशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ वैक्सीन हेजिटेंसी। वैक्सीन हेजिटेंसी इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? वैक्सीन हेजिटेंसी का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति वैक्सीनेशन करवाने से कतराए। वैक्सीनेशन करवाने से कतराने का कोई भी कारण हो सकता है कि अगर मैं वैक्सीन लूँगा तो हो सकता है ये बीमारी मुझे ना होने वाली हो तो हो सके, या वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में लोगों के मन में कुछ पूर्वाग्रह होते हैं जिसके बाद वो वैक्सीनेशन करवाने से कतराते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम वैक्सीन हेजिटेंसी को ओवरकम कर लें, जो लोग वैक्सीन लेने से कतराते हैं उसे हम ओवरकम कर लें, तो जो मीजल्स या खसरा का जो इन्फेक्शन है ग्लोबल लेवल पे, उसे कम किया जा सकता है। देखिए 2018 में 30% इंक्रीज हुई है मीजल्स के केसेस में। WHO ने जनवरी 2019 में वैक्सीन हेजिटेंसी को 10 ग्लोबल हेल्थ थ्रेट में से एक कैलकुलेट किया। वैक्सीन हेजिटेंसी जो 10 हेल्थ के थ्रेट्स हैं उनमें से एक है। लोग वैक्सीनेशन करवाना ही नहीं चाहते। जो वैक्सीन हेजिटेंसी है आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिलक्टेंस और रिफ्यूजल टू वैक्सीनेट डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। इसका मतलब ये है कि किसी बीमारी के लिए वैक्सीन तो अवेलेबल है लेकिन कोई वैक्सीनेशन करवाना ही नहीं चाह रहा है, तो आप इसे वैक्सीन हेजिटेंसी कह सकते हैं। देखिए 2018 में जो मीजल्स के केसेस थे उनमें काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली। 3,65,000 मीजल्स के जो केसेस थे उनको 182 कंट्रीज में रिपोर्ट किया गया 2019 के पहले 6 महीने में। मतलब ये बहुत बड़ी संख्या है, पहले 6 महीने में बहुत बिगेस्ट इंक्रीज़ हुई है, 900% की इंक्रीज़ देखने को मिली है इस साल, अगर आप पिछले साल इसी समय को कंपेयर करें तो। WHO ने ये माना कि जो अफ्रीकन रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, लाइक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर और नाइजीरिया, इन देशों में मीजल्स के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो देश हैं वो बहुत ही सुरक्षित रहे हैं। देखिए 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो वैक्सीन कॉन्फिडेंस है यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स में, वहाँ पर भी वैक्सीन कवरेज 90% के ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है जबकि वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो इसके लिए कारण क्या है? कारण वही वैक्सीन हेजिटेंसी है। अब इसे कैसे पता किया जाए? देखिए ऐसा जानकारी में आया कि 18 से 34 वर्ष की उम्र के वो लोग जो युवा हैं लेकिन अच्छे से एजुकेटेड नहीं है, वो चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से समझते नहीं हैं, तो वो मीजल्स मम्स, मीजल्स का मतलब खसरा, मम्स का मतलब गलसुआ जिसमें गला एकदम सूज जाता है, रूबेला, MMR, ऐसी वैक्सीन को सेफ नहीं मानते। उन्हें ऐसा लगता है कि वो ये जो वैक्सीन हैं वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। 2019 के मार्च में एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी
जिसमें ये बताया गया कि 52% लोगों ने ऐसा माना, ईयू के 28 देशों में केवल 52% लोग ऐसा मानते थे कि जो वैक्सीन हैं वो इफेक्टिव साबित हो सकती हैं दवाइयों को काउंटर करने के लिए। 33% लोगों को ऐसा लगता था कि ये हो सकता है कि उतनी इफेक्टिव ना हो, वो उसे प्रोबेबली इफेक्टिव मानते हैं। सबसे खराब बात यह है कि 48% रिस्पॉन्डेंट्स को ऐसा लगता है कि वैक्सीन के सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। 38% को ऐसा लगता है कि जो वैक्सीन है वो एक्चुअली में उनके अंदर डिसीज कॉज कर सकती है, उन्हें डिसीज से बचाने के बजाय वो उनके अंदर डिसीज ला सकती है। और ये जो आपको सिनेरियो देखने को मिल रहा है ईयू में, इंडिया उससे कुछ खास डिफरेंट नहीं है। 2018 की एक स्टडी में ये पाया गया कि अवेयरनेस की कमी की वजह से 45% जो बच्चे हैं वो 121 इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स में वैक्सीनेशन से रह जाते हैं और वहाँ पर दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। 24% बच्चे वैक्सीनेशन अवेल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन की वजह से एडवर्स इफेक्ट होंगे, साइड इफेक्ट्स होंगे। 11% लोग इस बात को लेकर रिलेक्टेंट पाए गए, उन्हें ऐसा लगता है कि इसका कुछ और नकारात्मक कुछ प्रभाव हो सकता है। इस दिशा में बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। जो मिस इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले तो उसे रोकना होगा। सोशल मीडिया इसमें एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है कि वैक्सीन की डिस इन्फॉर्मेशन को रोका जाए, वैक्सीन को लेकर जो लोगों के मन में एक पूर्वाग्रह है उसे रोका जाए। ठीक है, कंक्लूजन में ये बोला गया है कि मीजल्स की वैक्सीन लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकती है वायरस के खिलाफ और मोर्टेलिटी को भी रोक सकती है, चाइल्डहुड इन्फेक्शन को रोक सकती है। तो ज़रूरी है कि इसके वैक्सीनेशन को प्रोवाइड करवाया जाए और वैक्सीन जो हेजिटेंसी है उसे ओवरकम किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया, देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल ग्राउंड वाटर को लेकर है, पेपर टू से। इस टॉपिक से आप इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं, इस आर्टिकल को जोड़ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं वाटर सिक्योरिटी के बारे में। देखिए, फ्लड प्लेन्स और फॉरेस्ट एक्वीफर्स, जंगल के नीचे जो ज़मीन है वहाँ पर जो पानी पाया जा रहा है, जो एक्वीफर में पानी है, वो सबसे ज़्यादा और अच्छे सोर्स हैं नेचुरल मिनरल वाटर के, अनपोल्यूटेड बल्क वाटर है वो। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जुलाई में अनाउंस किया कि सरकार 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत हर हाउस होल्ड को पाइप्ड वाटर प्रोवाइड करवाएंगे। ये काफ़ी कॉस्टली होगा, फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। 70% इंडिया का जो सरफेस वाटर है रिवर्स या लेक्स का या ग्राउंड वाटर का, वो पोल्यूट हो चुका है। अगर इतनी बड़ी मात्रा में हम लोगों को पाइप वाटर पहुंचाना चाहते हैं तो बहुत कम फ़ायदा होने की संभावना है। जो सरफेस या ग्राउंड वाटर है वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए फिट नहीं है। इंडियंस को या तो आरओ का इस्तेमाल करना होगा या फिर वो जो पोल्यूटेड वाटर है उसका ही इस्तेमाल करते रहेंगे, और ऐसा कोई भी प्रोग्राम इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। देखिए, जो पाइप्ड वाटर है वो या पानी जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा कि हम लोगों को अनपोल्यूटेड वाटर सोर्सेज से बचाएं, या फिर इंडिया को बहुत ही अनहेल्दी पानी पीना होगा या आरओ वाटर का इस्तेमाल करना होगा जो बहुत महंगा पड़ेगा। कुछ ही अनपोल्यूटेड सोर्स रह गए हैं पानी, फ्लड प्लेन्स जो नदी के किनारों की ज़मीन है वहाँ पर जो पानी पाया जा रहा है, या फिर जो जंगल हैं उनके जो फॉरेस्ट ट्रैक्स हैं उनके नीचे का जो एक्वाफर है वहाँ पर जो पानी है वो अभी तक साफ कहा जा सकता है, और इस पानी को हमें प्रोटेक्ट और कंजर्व करना होगा। देखिए, एक यमुना पल्ला फ्लड प्लेन स्कीम लॉन्च की गई थी दिल्ली में 2009 में, जिसे दिल्ली जल बोर्ड ने हाथों हाथ लिया क्योंकि इसके ज़रिए दिल्ली के मिलियंस ऑफ लोगों को क्वालिटी वाटर प्रोवाइड करवाया जा सकता था। जो लोकल और सस्टेनेबल रिवर फ्लड प्लेन स्कीम है उसके तहत भी कई सारी सिटीज़ जो इंडिया में हैं वो पानी अवेल कर पा रही हैं। ये पाथ ब्रेकिंग होगा ना केवल इंडिया के लिए बल्कि वर्ल्ड के लिए। इसके काफ़ी अच्छे इकोनॉमिक रिटर्न्स होंगे कि जो नदियों के किनारे की ज़मीन है वहाँ पर जो एक्वाफर में पानी है उसका इस्तेमाल किया जाए, वो साफ़ है, पोल्यूशन फ्री है, उसका इस्तेमाल हम लोगों को पानी पिलाने के लिए कर सकते हैं। जो अदर सोर्स हो सकता है अनपोल्यूटेड वाटर का, नेचुरल मिनरल वाटर का, वो है फॉरेस्ट के नीचे का जो एक्वाफर है वो। वहाँ पर हाईएस्ट इंटरनेशनल क्वालिटी का वाटर आपको मिलेगा। अनपोल्यूटेड रेनफॉल होता है, जब पानी बरसता है तो उसमें तो कोई पोल्यूशन होता नहीं है, वो इन जंगलों में गिरता है जिसके बाद ह्यूमस, पत्तों के जो कवर होते हैं जंगलों में जो ज़मीन के ऊपर, उनके ज़रिए वो धीरे धीरे परक्यूलेट होता है, पास होता है और ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स के साथ जाता है। उसके बाद कई सारी चट्टानों से होकर गुजरता है और कई तरीके के मिनरल्स अपने आप में समेट लेता है। उसके बाद ये अंडरग्राउंड एक्वीफर्स में जाके जमा हो जाता है। जो नेचुरल मिनरल वाटर है इस आधार पर ये बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, आप इसे नेचुरल मिनरल वाटर कह सकते हैं। और ये जो हाई क्वालिटी नेचुरल वाटर है ये बिल्कुल प्योर होता है पीने के लिए। ऐसा पानी 2 से 3 लीटर पर डे की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर देश इस सोर्स ऑफ वाटर को अभी भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग हर सिटी में कहीं ना कहीं ये सोर्स आपको मिल जाएगा। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में जो स्टेट्स आते हैं वहाँ पर ये पानी फॉरेस्ट एक्वीफर में अवेलेबल है। अरावली में भी
इस तरीके के पानी की, इस क्वालिटी के जो पानी है या मिनरल वाटर है वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जो राजस्थान की कई सारी सिटीज़ की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। हालांकि इस वाटर का इस्तेमाल करते हुए हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हम नेचुरल एक्वाफर को डैमेज ना करें, उतना ही पानी निकालें जिसे हमारी जो अर्थ है वो रीजेनरेट कर सके। हमें इस पानी को कंजर्व करते हुए यूज़ करना होगा एंड दैट विल बी द ओनली सॉल्यूशन फॉर द फ्यूचर, ताकि हम हेल्दी और साफ पानी अवेल कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया। देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल क्लीन मीट के बारे में है। आप इसे जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो प्लांट बेस्ड और क्लीन मीट से बेनिफिट हो सकती है। खाना, ये हमारे जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये हमें नरिश करता है, आराम देता है, हमें हील करता है, हमें घर की याद दिलाता है। जब आप दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, किसी अन्य सिटी में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, अक्सर आपको बाहर का खाना खाना पड़ता है तो आपको माँ के खाने की याद ज़रूर आ जाया करती है। लव की फीलिंग को इन्वोक करता है। आप याद करते हैं कि आपकी माँ आपके लिए कैसा खाना बनाया करती थी, एंड दैट्स वाई खाने में हमें क्रिएटिविटी की आवश्यकता होती है कि हम खाने की ज़रूरत को पूरा कर सकें। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा फूड सिस्टम है वो अभी चैलेंज फेस कर रहा है। 2050 तक जो अर्थ की 10 बिलियन पॉपुलेशन होगी, हमारा जो प्रेजेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो लगभग इम्पॉसिबल है कि ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे। जो हमारा करंट फूड सिस्टम है वो हमारे रिसोर्सेज पर अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ये पॉइंट करता है कि हम अपनी ज़रूरतों को वर्तमान के प्रैक्टिसेस से पूरा नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि अमेजोन के जो रेन फॉरेस्ट हैं उनमें आग लगी। वैसे तो कई सारे कारण बताए गए कि आग क्यों लगी, लेकिन एक कॉमन कॉज जो निकल के आया वो ये आया कि रेंचर्स या लॉगर्स जो अपने मवेशियों को चराया करते हैं वो कई बार जंगलों में आग लगा देते हैं ताकि वो ज़मीन साफ कर दें और वहाँ पर घास उगे तो वो अपने मवेशियों को वहाँ पर चरा सकें। वो आग बढ़ गई और अमेजन फॉरेस्ट ने इतना बुरा एक जो आग का दंश था उसको झेला। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ अमेजन फॉरेस्ट को। जो हमारा फूड सिस्टम है वो एक्सट्रीमली इनफिशियंट है। जैसे होता क्या है, पहले एनिमल्स को चारा खिलाया जाता है, उन्हें फीड किया जाता है, फिर उन एनिमल्स के मीट को खाया जाता है। अब पहले फीड करना एनिमल्स को, उसके बाद उनके मीट का इस्तेमाल करना, ये काफ़ी इनफिशियंट प्रैक्टिस है। कई सारे एफर्ट के बावजूद जो इंडिया के 34.7% चिल्ड्रेन हैं वो माल न्यूट्रिशन फेस कर रहे हैं। मीट इंडस्ट्री बहुत बड़ी मात्रा में पानी वेस्ट करती है मीट को धोने में, और कई बार इस दौरान कई सारे केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे पानी को पोल्यूट कर देते हैं। नीति आयोग ने यह प्रेडिक्ट किया है कि 2020 तक भारत की 21 सिटीज़ में जो ग्राउंड वाटर है वो जीरो लेवल पे आ जाएगा, इंक्लूडिंग दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद। कुछ स्टेट्स में या कुछ सिटीज़ में स्थिति हम पहले भी देख चुके हैं। चेन्नई में जो वाटर क्राइसिस आया था वो आपने देखा ही। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फीड में जो हमारे वाटर सोर्सेज को पोल्यूट कर देता है। WHO के मुताबिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करने में इन एंटीबायोटिक्स का बहुत ही ज़्यादा की रोल होता है। ये पानी के सहारे हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं और हमारी बॉडी में कई तरीके के मेडिसिंस के लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, क्लीन मीट इसका एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। हेल्दी और न्यूट्रिशियस प्लांट बेस्ड मीट जिसमें जानवरों को स्लॉटर ना किया जाए, बहुत ज़्यादा पानी को वेस्ट ना किया जाए, और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर मीट को कल्टीवेट कर लिया जाए तो ये भोजन की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। इसे कल्टीवेटेड मीट या क्लीन मीट कहा जाता है। ये देखने में, टेस्ट में, स्मेल में लगभग एनिमल मीट के जैसा ही होता है। अगर आप इसे बनाने की बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में ना जाएं, तो सामान्य भाषा में आप समझ सकते हैं कि लैब में एक छोटा सा सैंपल किसी एनिमल से ले लिया जाता है, उसके बाद प्लांट के टिश्यूज़ को मिक्स करके उसे ग्रो करवाया जाता है, जिसके बाद कल्टीवेटेड मीट तैयार हो जाता है। ये मीट किसी भी तरीके की निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज से फ्री होता है और एक हेल्दियर खाना आपके लिए तैयार हो सकता है जो एंटीबायोटिक से भी फ्री होगा। ग्लोबली नीदरलैंड्स, US, इज़राइल, जापान, सिंगापुर, ये सभी प्लांट बेस्ड या क्लीन मीट के कल्टीवेशन पे डेवलप करने पर लगातार काम कर रहे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन भी इससे बेनिफिट हो सकती है। फर्दर मोर, इंडिया दुनिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लीन मीट तैयार करने की एक कल्पना रखे हुए है, उसके लिए तैयारी चल रही है। समय आ चुका है कि हम इस पूरे मैकेनिज्म को सपोर्ट करें, इनकरेज करें ताकि ये फ्लरिश हो सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया। यहाँ पे आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू।